हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और मैं अभी घर पे हूँ। और मम्मी मेरे लिए पता है क्या लाई है? मैं लेटी हुई थी, मतलब सो रही थी, तो मम्मी फोन चला रही है। मम्मी मेरे लिए दूध और वो लाई है, रस वगैरह जो होता है और फैन वगैरह जो होते हैं। दिस इज कॉल्ड घर का सुख। कितना अच्छा होता है ना। सोते सोते अभी आँख खुली है और आते ही दूध वूध नाश्ता वाश्ता भी आ गया। मैं लेटे लेटे एग्जाम दे रही थी, मतलब क्वेश्चंस आते हैं तो, मतलब एक ऐप है RTO का, उसमें एग्जाम क्वेश्चन आते हैं ना, तो वही एग्जाम दे रही थी। बट यार मैं यहाँ बैठे बैठे तो 3-4 बार दिया मैंने, उसमें पास हो रही हूँ। अब पता नहीं वहाँ जाके क्या होगा, यहाँ तो मैं पास हो रही हूँ। मैं एग्जाम देने के लिए आ गई हूँ, मैं एग्जाम सेंटर पे बैठी हूँ और फिर देखो अभी स्टार्ट होने वाला है मेरा एग्जाम। उसके बाद तो लॉग नहीं बना पाऊंगी, फिर बताऊंगी आपको पास है या फेल। फाइनली मैं पास हो गई हूँ और मैं अभी इनके पास आई हूँ और अब मैं जाऊंगी घर ही खुशखबरी सुनाने के लिए। मैं पास हो गई हूँ, ये शाम तक मैसेज आ जाएगा, फिर मेरा भी ड्राइविंग लाइसेंस बन के आएगा। तो अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, सॉरी, और मुझे नींद सी आ रही है। मम्मी मेरे लिए शायद कुछ खाना पीना बना रही है। अभी आज तो मैं खा ही सकती हूँ कुछ, मतलब अन्न वगैरह, क्योंकि कल मतलब पहला और लास्ट का मैंने फास्ट रखा है ना, तो इसीलिए आज तो मैं खा ही सकती हूँ। तो मम्मी पता नहीं शायद कुछ अच्छा सा बना रही है, शायद मेरा फेवरेट। तो उसके बाद फिर मैं खा पी के सो जाऊंगी, क्योंकि मैं ना बहुत थक गई हूँ यार। कल भी रात हम लोग चाय वाय पी के आए तो उसमें लेट हो गए घूमने फिरने में, बात बात करने में। फिर उसके बाद मैंने व्लॉग एडिट किया, अपलोड किया, सब में बहुत टाइम लग गया, इसलिए मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई। सुबह भी फिर मैं जल्दी उठ के अपना एग्ज़ाम की तैयारी करने लगी, फिर एग्ज़ाम अब दे के आई और अब मैं फिर सोच रही हूँ आपको शाम में कुछ अच्छा नया दिखाऊँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी, नवरात्रि का टाइम है आफ्टर ऑल, और आप सभी जैसे जानते हैं कि बुलंदशहर में तो हर फेस्टिवल को कितनी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखते हैं अगर शाम में मैं कुछ आपको नया दिखा सकती हूँ, कुछ नया कर सकती हूँ तो ठीक है। और जब तक मैं सो जाती हूँ यार, मुझे बहुत नींद आ रही है, वो तो आपको पता ही चल रहा होगा मुझे कितनी झमाई आ रही है ना, इसलिए। सो अभी मैं सो के उठ गई हूँ और अभी बस क्या कहते हैं, मैंने बाल वाल तो कम कर लिए हैं, कपड़े वपड़े भी पहन लिए हैं, बस अभी थोड़ा मतलब मुंह ठीक भी करना है। अभी मुंह धोऊंगी क्योंकि अभी सो के उठी थी ना। अभी मम्मी बोल रही है कि दूध पी ले फिर बाहर चलेंगे घूमने के लिए, मेरी दूध रख के जा रही है। यार मैं जब से आई हूँ ना यहाँ पे, मम्मी दूध 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 दूध, यार मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। मम्मी जबरदस्ती दूध पिलाती रहती है। और पता है ये क्या करती हैं, बताऊँ क्या करती हैं? ये ना गिलास में कम दूध दे देंगी, अपने भगोने में या किसी बड़े बर्तन में ज़्यादा दूध ले आएंगी, और पता है क्या बोलती हैं, थोड़ा थोड़ा करके पी ले, थोड़ा थोड़ा करके पी ले, और क्या कहते हैं, ताकि तू, मम्मी यार डिस्टर्ब कर दिया, मैं भूल भी गई। हाँ तो क्या बोल रही थी मैं, ये बोलती है कि थोड़ा थोड़ा पी लिया कर, गर्म होता है ना तो थोड़ा थोड़ा करके पी लिया कर। मैंने कहा मम्मी मैं तुम्हारी चालाकी समझती हूँ, तुम थोड़ा थोड़ा करके ना इतना ज्यादा पिला देती हो। तो अभी मैं अपनी आंटी के घर आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिनों बाद आई हूँ मैं, क्योंकि मुझे कल जाना है। तो फिर मैंने सोचा मैं सबसे मिल लूँ। ये आंटी है और मुझे समा के चावल की खिचड़ी बहुत पसंद है, तो इसलिए ये मेरे को गर्म करके दे रही है। जो भी देखा मुझे कितना प्यार मिलता है, मैं कहीं नहीं जाती हूँ तो कितना प्यार करते हैं अपने अपने लोग, वहाँ के लोग तो कोई इज्जत ही नहीं करते। यहाँ पे देखो कितना सारा प्यार मिलता है, प्यार भी मिलता है साथ में खाने को भी मिलता है। तो मेरी खिचड़ी आ चुके हैं, आई एम गोना टू ईट इट।
वाला माता रानी का मंदिर है, जैसा कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सज रहा है। कल रात इसकी छोटी सी क्लिप दिखाई थी रात में मैंने, जब बहुत लेट हो रहा था तो ये बंद हो गया था तो मैं दिखा नहीं पाई थी। काली जी के दर्शन हो गए, मंदिर के दर्शन हो गए, और क्या चाहिए यार। मतलब आज माता रानी के नवरात्रों का दूसरा दिन भी बहुत ही अच्छा है, मजा आ गया। छोटी छोटी माता रानी इतनी खूबसूरत लग रही है यार, मजा आ गया देख के, कसम से दिल गार्डन गार्डन हो गया। वो मेरी डर को या मेरी आवाज को माइंड मत करना, मैंने काली की वीडियो जरूर बनाई है लेकिन मुझे बहुत डर लगता है, बचपन से ही मुझे बहुत डर लगता है काली जी से, उनके स्वरूप से बहुत ज्यादा डर लगता है। मैंने प्रसाद भी पता है बहुत हिम्मत करके लिया, मैंने 3-4 बार ट्राई करा, मुझसे तो हुआ ही नहीं प्रसाद लेना। फिर उनके काली जी के साथ जो उनके चेले टाइप रहते हैं उन अंकल ने फिर मेरा हाथ पकड़ा और फिर उन्होंने आगे तक बढ़ाया। पता है जब वो प्रसाद दे रही थी ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, मुझे इतना डर लग रहा था। तो अब हम घर जा रहे हैं दर्शन वर्शन करके, मेरा पेट इतना ज्यादा भर चुका है, मम्मी ऑलरेडी इतना सारा खिला के लाई थी, फिर आंटी जी ने इतना सारा खिला दिया। मिलना तो हमें बहुत लोगों से था लेकिन हम मिले नहीं, क्योंकि किसी के भी घर जाएंगे तो वो खाना खिलाएंगे और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है मैं खाना खा लूं, मुझे ऐसे हो रहा है एकदम पेट ना एकदम भरा भरा बहुत ज्यादा, इसलिए अब हम सीधा घर जा रहे हैं। अपने घर की गली में आई तो देखा हमारे यहाँ भी इतनी सारी कालियाँ आई हुई हैं। हमारे यहाँ पे दौज में 3 कालियाँ खेलती हैं तो ये वही कालियाँ हैं, आइए देखते हैं। पड़ चुकी है, मैं मेरे घर पे आ चुकी हूँ और मतलब देख लिया काली वाली बाहर बढ़िया हुई, और पता है आपको 2-2 काली एक साथ खेल रही है। और पता है जहाँ मैं गई थी, मतलब हमें बुलाया गया था, मतलब मम्मी की एक दोस्त थी उनके यहाँ पे काली निकलनी थी एक्चुअली, तो उन्होंने हमें बुलाया था कि आप भी आना, पूजा वूजा होगी एंड ऑल, तो मेरे को लगा था पूजा हो गई है लेकिन लास्ट वाली जो आरती होती है ना वो बची गई, आरती भी मिली मुझे अच्छा लगा। और क्या बताई थी मैं आपको, और पता है हमारे यहाँ पे दौज वाले दिन, मतलब पहले ना जब पहले कोविड से पहले मेला निकला करता था, मेले में बहुत सारी झांकियां टाइप की निकला करती थी, बहुत सारी झांकियां कैसे निकला करती थी, ट्रक को सजा दिया जाता था, जीप होती थी जीप के ऊपर लकड़ी का फ्रेम लगाते थे फिर उसको अच्छे से डेकोरेट करते थे, फिर उसमें ना झांकियां बैठा करती थी गणेश जी की, पार्वती जी की, शिव जी की, काली जी की। तो अब कोविड की वजह से वो सब चीजें खत्म हो गई, तो दौज वाले दिन 3 काली निकलती हैं, तो तीनों काली एक साथ नहीं खेल सकती वो तो आप भी जानते हो, क्योंकि बहुत भीड़ होती है जैसा कि आपने देखा सब जगह कितनी ज्यादा भीड़ थी, और भीड़ को रोकने के लिए कंट्रोल करने के लिए पुलिस वाले भी हैं। तो एक तरीके से ये दौज का मेला होता है हमारे यहाँ पे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं बता नहीं सकती इतना अच्छा लगा, मैं पूरा घूम के आई सब जगह देखी काली, और मैंने डरते डराते फाइनली प्रसाद भी लिया काली से। और पता है मैंने वो भी देखे, वो नहीं होते सुक्कर सनीचर जो होते हैं वो देखना, मैंने आपको दिखाए हैं वो 3 जो राक्षस टाइप के है वो सुक्कर सनीचर है ना। तो मम्मी तो मेरी नीचे आवाज लगा रही है, शायद और एक और काली आ गई है, जाती हूँ मैं। नीचे और पता है अपने बुलंदशहर में आके तो बात ही अलग है, पता है मैं उधर चली गई बहुत पास प्रसाद देने के लिए, तो पता है वो दे नहीं रही थी है ना, तो जिनकी मतलब पता है ऐसे होता है अखाड़े की काली होती है, तो जो अखाड़े के लोग होते हैं ना, तो उनमें से एक भैया थे जो मेरे जानकार निकले, मतलब मम्मी सबको जानते हैं, तो उन्होंने कहा रुक जा बहन मैं दिलवा रहा हूँ, तो मुझे प्रसाद भी मिला। आज पता है मुझे 4-4 काली ने प्रसाद दिया, मैं बहुत खुश हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे मैं बिल्कुल प्रसाद नहीं लेती काली से, पता मम्मी को जो मिलता है मैं उसी में खा लेती हूँ, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं लूँ, लेकिन मुझे इतना ज्यादा डर लगता है ना बता नहीं सकती। और पता है हमारे यहाँ क्या होता है,
हमारे यहाँ पे जितनी भी काली निकलती है ना, तो जो श्रद्धा मानते हैं, विश्वास मानते हैं, वो अपने घरों में काली जी को बिठाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें गोला चढ़ाते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा भी देते हैं। तो अभी ये सारी काली जितनी भी है ना, हमारी गली में कुछ लोग हैं जो ज्यादा मानते हैं, तो उन सब ने अपने अपने घर पे बिठाया उनको। और अभी भी एक काली रुकी हुई है, देखो शोर आ रहा है ना ढोल बाजे का, तो पीछे एक है, उन्होंने अपने घर पे बिठा रखी है। मम्मी कह रही ऊपर से देख ले देख ले, अब मैंने बहुत देख लिया यार, अब नहीं देखने का मन कर रहा, मजा आ गया यार। आपको दिखाओ हमारे प्रसाद का कलेक्शन, अभी मम्मी ना निकालेंगी बैग में से, उसके बाद आपको प्रसाद का कलेक्शन दिखाऊंगी। मम्मी आवाज लगा रही है, चलो ऊपर से दिखाती हूँ एक आपको। लास्ट वाली काली जी भी देख ली और अब वो अपने घर चली गई हैं, मतलब एक और जने ने अपने घर पे बिठा लिया, उनकी पूजा वगैरह करेंगे, वही रीति रिवाज। मुझे पता है कि दिल्ली, नोएडा, इवन दो मेरठ में जहाँ पे मैं हूँ बेसिकली, वहाँ पर भी ये सारा कल्चर नहीं है, वहाँ पे भी ये सारे रिचुअल्स नहीं होते है ना। और हमारे यहाँ पे ये वाला रिचुअल ना मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, मैं इसी चीज में बचपन से लेके आज तक पली बढ़ी हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है ना ये सब चीज, इतनी क्यूरियोसिटी होती है देखने की, मतलब बहुत मजा आता है, मतलब इतना खुश हो जाता है दिल, बहुत ज्यादा खुश, मजा आ गया सब कुछ देख के। और फिर से नहीं यार, मुझे फिर से अफसोस के साथ आप लोगों से ये कहना पड़ रहा है कि मुझे फिर नोएडा जाना पड़ेगा। अब बस मैं अपनी पैकिंग वगैरह करूंगी, मेरा थोड़ा सा पैकिंग वगैरह बचा है, वो पैकिंग वैकिंग करूंगी और उसके बाद फिर मुझे कल सुबह जल्दी निकलना है नोएडा, और फिर से वो घिसी पिटी सी लाइफ। आप लोग भी हमेशा सोचते होंगे ना यार ये रोती रहती है घर से जाने के नाम पे, मेरा एक्चुअली वहां जाने का मन ही नहीं करता है क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ, और ऐसे फेस्टिवल के टाइम पे तो बिल्कुल मन नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे पता है नवरात्रि का टाइम है, पूरे 9 के 9 दिन ना हमारी गली में इतनी कालियां निकलेंगी, इतनी कालियांगी छोटी बड़ी बहुत बड़ी, और दशहरा वाले दिन इतना अच्छा मेला लगता है ना, इतना अच्छा मेला लगता है, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे। अगर मतलब मैं ठीक ठाक रही जब तक, और मुझे क्योंकि ना अकेले ना बहुत ज्यादा डर लगता है यार, इतनी भीड़ थी, अब भी मैंने जैसे तैसे करके मैनेज करके बना ली, तो मुझे डर भी बहुत लगता है काली से, तो मुझे ना किसी के साथ की जरूरत होती है, और आजकल सब बिजी होते हैं तो साथ तो कोई मुश्किल ही दे पाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी अगर कोई हुआ ना तो मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको दिखाऊंगी उस टाइम पे, दशहरा वाले टाइम पे। और हमारे यहाँ रामलीला भी होती है, हमारे यहाँ रावण दहन भी होता है, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ तीनों का बहुत बड़ा बड़ा पुतला बनता है, पता है आप देखोगे ना डर जाओगे, इतना बड़ा पुतला बनता है, बहुत 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 ऊंचा फीट का, और पता है फिर वो जलता है, उसमें भी अगर कोशिश करूंगी पूरी पूरी अपना 100% दूंगी, वो भी अगर मैं आपको दिखा पाई दशहरा वाले दिन तो वो भी दिखाऊंगी, मजा आ जाता है मजा। आपको मम्मी मेरे ना प्रसाद निकाल रही है, तो मैं आपको अपने प्रसाद का कलेक्शन दिखाती हूँ। वाओ यार नॉट बैड, हम लोगों ने बहुत अच्छा कलेक्शन कर लिया प्रसाद का भी, है ना। सॉरी आप लोग भी सोचोगे ये लोग प्रसाद का भी कलेक्शन करते हैं, यार पता है मखाने मेरे फेवरेट है, और इस वाले प्रसाद में मखाने सबसे ज्यादा मिलते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और जब प्रसाद मुझे मिला हो तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मम्मी ने मेरे लिए चाय बना के रखी है, तो अब बस वो मैं चाय पीऊंगी ताकि मैं वीडियो एडिट करके अपलोडिंग पे लगा सकूं, और फिर मुझे सुबह जल्दी भी उठना है क्योंकि मुझे जाना है नोएडा वापस। तो फिर ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी ये व्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।